আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। সাকিব ইমরান খোকা লেমন ট্রাইনা একদম ফির আপকি খিদমত মে হাজির হ্যাঁ। পিছলে কুছ সেশন কে অন্দর হাউ টু ডিল উইথ ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ভেরিয়াস সিনারিওস কে অন্দর হম বাতে করতে রে হ্যাঁ, জিসকে অন্দর হম ফায়ার ওর ফার্স্ট এইড বগেরা কে সেশন কে উপর ডিসকস কর চুকে হ্যাঁ, ওর ইন্ট্রোডাকশন ওরিয়েন্টেশন কা ভি মে ডিসকস কর চুকা হুম। আজ কে সেশন কে অন্দর এক ছোটি টক কে অন্দর মে বেসিক্যালি ভেরি বেসিক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওর রিকভারি और एहतियाती तदाबीर उनके बारे में उसके बारे में कुछ बात करूंगा। डिजास्टर किसी भी सूरत में पेश आ सकता है, फायर इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, अर्थक्वेक सिचुएशन हो सकती है, फ्लडिंग सिचुएशन हो सकती है जो कि बारिशों होने से हो सकता है, समुंदर की वजह सुनामी की वजह से हो सकता है, दरिया के अंदर उभार आने की वजह से, झील नदी नालों के अंदर फ्लडिंग की वजह से हो सकती है, ठीक है, रोड रेज, रोड एक्सीडेंट, पायल अप एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेनों के अंदर हादसा पेश आ सकते हैं। अभी कल कल ये एक हादसा पेश आया भी है, ठीक है, क्या उसका नाम है, आपके वर्क प्लेस के ऊपर कोई इंसिडेंट पेश आ सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, सीज या होस्टेज सिचुएशन हो सकती है। सारी बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए आप हर चीज़ के लिए हर वक्त तैयार नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है, आप तैयार हो नहीं सकते, शायद मैं भी ना हूँ या कोई भी ना हो, लेकिन कुछ बेसिक अवेयरनेस अगर हो तो आप कम अज़ कम इन सिचुएशन के अंदर पैनिक किए बगैर काम सिचुएशन के अंदर उनको डील करके अपनी जान बचा सकते हैं, और अपनी जान बचाने से आप किसी की जान बचाने के काबिल हो सकते हैं। देखें, अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको अपनी जान बचाती है। एरोप्लेन के अंदर, जहाज़ के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मास्क इमरजेंसी सिचुएशन में जब लगाना सिखाते हैं तो आपको सिखाते हैं कि सबसे पहले आप खुद लगाएं, जब आप सांस ले रहे होंगे तो आप अपने बच्चे की या बूढ़े वालदन की जान बचाने के काबिल हो सकेंगे, पोजीशन में आ सकेंगे। अगर आप सांस नहीं ले रहे तो आप बच्चे को मास्क लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी एफर्ट जो है ना वो नाकाम रहेगी। घर के अंदर भी ये सिचुएशन है, आग लगी हुई है कमरे के अंदर जिसके अंदर खुदा ना से आपके बूढ़े वालदन या बच्चे हैं, ठीक है, आप उसमें जाएंगे तो आप भी जल जाएंगे। आपको रिसोर्सिस रेडी करने हैं उस फायर को काबू करने के लिए अपनी जान बचाते हुए सेफली, ताकि किसी की जान बचाने के काबिल हो सके। अल्लाह ताला किसी को इन हालात के अंदर ना रखे कि आप इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको फैसला करना पड़े कि आपने अपनी जान बचानी है या लोगों की जान, या किसी दूसरे के, अपने अजीजों का, रब बहन भाइयों, अजीज रिश्तेदार और दोस्तों की जान बचानी है। अल्लाह ना करे इस तरह के हालात पेश आए, लेकिन खुदा ना हास्ता अगर कभी आए तो ये बात याद रखे, अगर आप अपनी जान बचा सकेंगे तो आप किसी की जान बचाने के काबिल हो सकेंगे। आपको अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जलजिले की सूरत के अंदर या और भी किसी हादसे की सूरत के अंदर एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि अगर आपको घर से निकलने का मौका ना मिल सके तो आपको हर एमरजेंसी सिचुएशन, खुसूसी तौर पर जलजिले के अंदर, आपको ये याद रखना चाहिए घर की सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर, जो मोस्ट सिक्योर और सेफ जगह आपके घर के अंदर, वो सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो जो ट्रायंगल सा बना होता है उसके अंदर, क्योंकि सीढ़ियों के अंदर एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल हुई है, वो मोस्ट सिक्योर पोजीशन है जो जिसके अंदर आप अपनी जान बचाने के काबिल हो सकते हैं। और अगर खुदा नखास्ता अगर मलबा गिर गया, कोलैप्स बिल्डिंग हो गई है, तो कम अज़ कम वो जगह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी जान रखी हुई है तो वो जगह आपके लिए महफूज साबित हो सकती है, ठीक है। घर के अंदर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन की डील करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा, जिनके ऊपर आपके हमेशा एक्सेस होनी चाहिए वो ये है कि आपको अपना और किसी एक बंदे का नंबर ज़रूर याद होना चाहिए, ज़ुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि हम अमूमन मोबाइल फ़ोन की मेमोरी के ऊपर बहुत रिलाय करते हैं, तो अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है या ब्लैकआउट हो जाता है या टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट क्या उसका मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद कर देती है, ठीक है, तो आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है किसी से रابطہ करने का, तो आप क्या उसका नाम है, आपको नंबर याद होना चाहिए। एक डायरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए जिसके अंदर आपका ब्लड ग्रुप लिखा होना चाहिए, आपके बच्चों का, अपनी फैमिली का ब्लड ग्रुप वगैरह लिखा होना, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर लिखे होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फायर इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस के नंबर, पुलिस इमरजेंसी के नंबर अपने क्विक एक्सेस के अंदर, क्विक डायल इसके अंदर कर लें, मोबाइल फ़ोन के अंदर उस बहाने भी याद रखे हैं, उसको बुक के ऊपर भी लिख के कहीं पे रख लें। उस बुक के अंदर आप क्या उसका नाम है इंपॉर्टेंट नंबर और कुछ क्या उसका नाम है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, अपने घर फैमिली के बारे के अंदर, खुदा ना हास्ता आपके बच्चों के अंदर किसी को एस्मा है तो वो लिखते हैं, अगर कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है या किसी को कोई और कुछ और आर्जा है जो
जिसके लिए उनको स्पेशल केयर की जरूरत होगी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ताकि वो किसी के काम आ सके। आपके लिए पानी का छोटा सा स्टॉक आपके लिए होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हो और आप उसके ऊपर आपके एक्सेस हो, लेकिन आपको पता हो कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हो सकता है पानी खत्म हो जाए, फ्लडिंग की वजह से आपको छत के ऊपर वक्त गुजारना पड़े, या आप एक कमरे के अंदर बंद होकर रह जाए क्योंकि बाहर सेफ नहीं है, या कुछ कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आपको पता हो कि आपको पानी कहाँ से हासिल करना है। ठीक है, एक चीज जो आपने कभी गौर नहीं की होगी, आपके घर के अंदर अगर कोई पुराना रेडियो पड़ा हुआ तो उसको निकाल के उसके झाड़ पूंछ करके तो एक दफा उसको चला के जरूर देख लें, क्योंकि हम हर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर इमरजेंसी के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट की होती है, चैनल सेट किए होते हैं, जिनसे आप अगर आपको रेडियो चलाना आता तो आप उनको एक्सेस करके तो कम से कम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं हम। ये जरूरी है क्योंकि हम रिलाई करते हैं फोन के ऊपर बहुत ज्यादा, और अगर फोन के अंदर सर्विस नहीं है तो इसका मतलब है आपका बाहर दुनिया से आपका बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक चीज जिसको आप बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं लेकिन ये किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके जान बचाने के काम आ सकती है, विसल, सीटी। एक सीटी आप कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं पड़ी होगी, उसको किसी नजर में रख लेगी या कहाँ पे पड़ी हुई है, आपको यू नेवर नो कि आपको कब उसकी जरूरत पेश आ सकती है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर विसल बजा के आप अपने लोगों को अलर्ट कर सकते हैं कि आप किस जगह पे मौजूद हैं। यू नेवर नो कि वो क्या सिचुएशन हो सकती है, अल्लाह ना करे कि आपको ऐसी कोई सिचुएशन पेश आए जिसके अंदर आपको आवाज या चीख आपकी ना निकल सके, या लोगों को बुलाना आपके लिए शोर के अंदर मुश्किल हो और आपको विसल बजा के अपनी तरफ तवज्जो हासिल करनी पड़े। ये क्वाइट मुमकिन है, क्वाइट पॉसिबल है कि आपको करना पड़े और उसके ऊपर नजर रखें। घर से बाहर निकलने का फ्रंट एंट्री के अलावा एक और भी रास्ता दिमाग में जरूर रखें। अमूमन घरों के अंदर पीछे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, सात फलों की दीवार होती है या छत होता है, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि छत की दूसरी तरफ क्या है, दीवार की दूसरी तरफ क्या है, वहां का कोई क्या उसका नाम है जर्मन शेफर्ड डॉग तो नहीं है जो, और क्या उसका नाम है आपकी, क्या उसका नाम है, तिया पांचा कर देगा, हड्डी बोटी कर देगा। कम से कम आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको हमसायों का पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर सामने आ गई है तो मुझे पीछे से दीवार प्लान किया अपने और अपने बच्चों को यहाँ से निकालना है तो कैसे निकलना है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। उसके अलावा आप कुछ चीज़ों को जो रोजाना के बेस के ऊपर नजरअंदाज कर देते हैं कि जैसे अभी ट्रेन हादसे के मुतल्लिक 21 लोग अपनी जान से गए, उनका कोई कसूर नहीं था, वो मेरी तरह आप घर में बैठे हुए थे या अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जा रहे थे किसी की ह्यूमन एरर की वजह से, ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज ह्यूमन एरर, तो की वजह से हादसा पेश आया जिसके अंदर 21 बेचारी जानें जाया हो गई। ठीक है, इन 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 सिचुएशन के अंदर, अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप पेश आए, अगर आप उस रैकेज के अंदर हैं और जिंदा हैं तो आप टेंशन लेने के लिए क्या उसका नाम है, यू नेवर नो कि आपकी जेब में पड़ी हुई एक सीटी जो है ना वो कभी आप बजाएं तो किसी को अलर्ट हो जाए कि एक बंदा जिंदा है जिसकी जिंदगी बचाने के लिए रैकेज को हटा के उनको निकालना है। ठीक है, और टेंशन लेने की कोशिश करें, अगर आप दूसरी तरफ है टेबल के जहाँ पे जाना बचाने वाले हैं, ठीक है, तो आप खड़े होकर तमाशा ना देखें। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो फौरन से पहले एक टीम का सेटअप बना के और टीम एफर्ट के जरिए करने की कोशिश करें। एक बंदे को अगर सर पे पड़े तो वो 200 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन अगर 100 बंदों को 200 किलो वजन उठाना पड़े तो सारे हाफ हार्टली जो एफर्ट करेंगे उसके अंदर उनको मुश्किल हो जाता है। पांच बंदे छह बंदे मिलकर टीम बनाए और अपनी फुल एफर्ट के जरिए क्या उसका नाम है रैकेज को मनूवर और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी की जान ज्यादा फिशन या इफेक्टिवली बचाई जा सकती है, बजाय के 100 बंदे शोर करते रहे और कोई करने वाला कुछ ना हो। अगर आप सिर्फ शोर करने वाले हैं या लोगों को अलर्ट करने वाले हैं तो बेसिकली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मूव ऑन हो जाएं पीछे। यू नेवर नो, पीछे तमाशा देखने, आपके तमाशा देखते हुए पीछे एक डॉक्टर था जो किसी की बजाय मदद कर सकता था, लेकिन वो क्योंकि उसका आई साइट के अंदर वो नहीं है सिचुएशन तो वो ही डजंट नो। आप उसकी किसी की जान बचाने के रास्ते के अंदर रुकावट है, आप अगर मदद नहीं कर सकते तो मेरी आपसे गुजारिश है और ये अवेयरनेस आप लोगों के अंदर आम करें, इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट, आप मूव ऑन हो जाए किसी को मदद करने की सिचुएशन के अंदर भेज दें। अगर आप किसी रैकेज के अंदर किसी की जान बचाने की पोजीशन में पहुंच गए हैं तो
उनको सेफ लोकेशन सिर्फ वहां से निकाल के बाहर निकालना रखना नहीं है, रूम टेम्परेचर के अंदर ले जाए, अगर गर्मी है सर्दी है जैसे भी, उनको रूम टेम्परेचर के अंदर लेके जाए, उनका सर और गर्दन जरूर कवर कर दें जो कि आप उनकी ओरिजिनल बॉडी हीट को प्रिजर्व करेगी, और वो ट्रॉमा सिचुएशन में हो सकते हैं बाहर ठीक नजर आ सकते हैं लेकिन यू नेवर नो कि उनकी बॉडी के अंदर क्या डैमेज हो चुका है, और जिनका अभी उनका ब्रेन रीड नहीं कर रहा, ये पेन किलर का भी यही कंसेप्ट होता है कि बेसिकली रीड नहीं करती बॉडी, आपका ब्रेन रीड नहीं करता कि आपकी जिस्म के अंदर तकलीफ के दर है ठीक है, ट्रामा सिचुएशन के अंदर हादसा में अंदर ऐसे ही होता है। ये कुछ हादसे के बारे में था, रोड के ऊपर हादसा पेश आ जाए तो बेसिकली ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है ठीक है, आप जरूर मदद करें जो हादसे का शिकार है उसको सेफ लोकेशन पे बैठ के उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करें, और एक बंदा 100 बंदे 500 बंदे अगर देख रहे हैं तो हर बंदा अपनी तरफ से पुलिस को एम्बुलेंस को फायर ब्रिगेड को कॉल कर दे, क्राउड मेंटालिटी के इस उसका शिकार ना होकर किसी और ने कॉल कर दी होगी। वर्क प्लेस के ऊपर ये कल्चर आम करें कि सिगरेट पीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिगरेट जॉब पे ना पिया करो, यू नेवर नो कि रैकेज के अंदर जो आग लगी है वो किसी के सिगरेट पीने की वजह से लगी है, टैंक 21 बंदे मर गए, कातल आपको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये कल्चर आम होता कि यार वर्क प्लेस के ऊपर लेट्स नॉट स्मोक ठीक है, यार मैं सिगरेट से मुझे एलर्जी है जरा उधर होके पी लें या बाहर जाके पी लें, या आप मूव ऑन हो जाएं या आप किसी को बता दें कि ये चीज़ खतरे का बायस हो सकती है, कोई भी चीज़ जो खतरे का बायस हो सकती है उसको आप डिस्कस करें किसी ना किसी के साथ, अपनी जान बचाएं लोगों की जान बचाने के भी काबिल हो जाएं, मेरे वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ ये बातें डिस्कस करें इमरजेंसी सिचुएशन का को डील करने के लिए, उसकी प्रिपेयरनेस का कल्चर को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नेवर नो 5 मिनट की डिस्कशन आपके किसी के साथ किसी की जान बचाने के काबिल हो जाए, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, हो सकता है वो एक इंसान और पूरी इंसानियत की जान बचाने वाले आप हो, जो आपको बात समझ आ गई है वो दूसरों से डिस्कस करें शेयर करें, जो बात आपको मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं कमेंट्स के अंदर लिख दें, मैं कोशिश करूंगा कि अगले टॉपिक या तो इससे डिस्कस करूं, और आप अपना और अपने अजीजों का आपका बहुत ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपकी मेरी हिफाजत फरमाएं और हर तरह की आफात से हमें महफूज रखें, अल्लाह हाफिज़।